मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस रेड बटन को दबाएं, उसके बाद इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड, मैं विपिन प्रसाद आपका अपना यूट्यूब चैनल एस सी मैथ्स में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज का मेरा टॉपिक है त्रिकोणमेट्री। आज मैं त्रिकोणमेट्री के अंतर्गत प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा जो त्रिकोणमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड होगा, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा। इफ 3 cot A = 4 टू चेक वेदर 1 - tan² + 1 + tan² = cos² - sin² और नोट। कल अगर ये कंडीशन दिया हुआ है तो आपको चेक करना है कि इसका वैल्यू इक्वल टू इसके इक्वल है या नहीं है, है ना, ये आपको चेक करके बताना है। यहाँ पर दिया हुआ है कंडीशन कि 3 cot A = 4, सो इसको आप लिख सकते हैं cot A = 4/3। आप तो जानते हैं ना cot A का फार्मूला क्या होता है, बेस अपन परपेंडिकुलर, यानी बेस बाय परपेंडिकुलर। तो क्लियर है कि बेस 4 है और परपेंडिकुलर 3 है। फिगर से आप समझ लीजिए, इसको मैं मान लेता हूँ ट्रेंगल ए बी सी, एक ट्रेंगल है जो इन्हें क्या यहाँ भी ले सकते हैं ए बी सी, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं ए बी सी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। तो ये एंगल है 90 डिग्री है और 90 डिग्री के ठीक सामने का साइड हाइपोटेनस होता है, ये आप जानते हैं। हमें निकालना है cot A का वैल्यू दिया हुआ है, यानी इस एंगल को लिया है, cot के साथ कौन सा एंगल है, ये एंगल है। तो आप जानते हैं एंगल के ठीक सामने का साइड हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। परपेंडिकुलर दिया हुआ है 3, यानी P दिया हुआ है 3, अब बेस दिया हुआ है, बेस 4 दिया हुआ है। तो हाइपोटेनस निकाल लेते हैं, सो ये हाइपोटेनस है और हाइपोटेनस इक्वल टू जानते हैं क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी इम्प्लाइज h² = p का वैल्यू दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर, b का वैल्यू दिया हुआ है 4 का स्क्वायर, यानी h² = 9 + 16, सो h² = 25, देयरफॉर h का वैल्यू निकल जाएगा 25 का अंडर रूट, यानी 5, प्लस माइनस 5 दोनों होता है, लेकिन मैं पॉजिटिव लूँगा क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, राइट। तो h निकल गया, p का वैल्यू दिया हुआ है, b का वैल्यू दिया हुआ है, अब हमें इसका वैल्यू निकालना है। नाउ 1 - tan² A / 1 + tan² A का वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ। सो 1 - tan A का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से इन होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का होल स्क्वायर अपॉन 1 + दोनों तो सेम ही चीज़ है, बस यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ माइनस के जगह पर प्लस कर देता हूँ। ये टर्म दोनों में कॉमन है, इसके लिए भी दोनों के लिए यही टर्म आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर इक्वल टू 1 - p का वैल्यू, देखिए क्या दिया हुआ है, p का वैल्यू दिया हुआ है 3, तो 3, अब b का वैल्यू दिया हुआ है 4, है ना, तो रख दीजिए 4, तो -3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 + p का वैल्यू 3 और b का वैल्यू भी 4 का होल स्क्वायर, राइट, यानी इक्वल टू सॉल्व कर लीजिए 1 - 9/16 अपॉन 1 + 9/16, एलसीएम लीजिएगा तो आएगा 16, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है, है ना, तो 16 में 1 से डिवाइड कीजिएगा तो 16 आएगा, और 16 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 16 आएगा, माइनस 16 को 16 से डिवाइड कीजिएगा 1 आएगा, 1 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 ही आएगा। देखिए दोनों सेम है, केवल माइनस की जगह पर प्लस है, मैं वही काम करता हूँ, इसी को मैं एक बार अगेन दोबारा लिख देता हूँ, 16 + 9/16, ये 16 कैंसिल, 16 - 9 = 7 और 16 + 9 = 25, 7/25 इसका वैल्यू निकल गया, इसको मैं मान लेता हूँ 1। अब इसका हमें वैल्यू निकालना है, आल्सो cos² A - sin² A का वैल्यू निकालना है इक्वल टू cos A का फार्मूला आप जानते हैं, cos का क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस से इन होता है, तो हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर, माइनस साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी p/h, सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी इक्वल टू b का वैल्यू, देखिए b का वैल्यू क्या है, 4 है, तो यहाँ रख दीजिए 4, और h का वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ कितना, 5, है ना, h = 5, तो रख दीजिए h के प्लेस पर 5, सो 4/5 का होल स्क्वायर, माइनस p का वैल्यू 3,
और h का वैल्यू भी 5, 3/5 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 अब बाय 25 माइनस 9/25 है ना, 3 के स्क्वायर 9 और 5 के स्क्वायर 25। देखिए दोनों का बेस तो सेम है तो न्यूमरेटर में कोई चेंजिंग नहीं करना पड़ेगा, जैसा वैसे लिख दीजिए 16 - 9/25 नहीं यानी इम्प्लाइज कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू निकल गया 16 - 9 7/25 इसको मान लीजिएगा 2। फ्रॉम 1 and 2 वी गेट क्या देख रहे हैं आप, इसका भी वैल्यू 7/25 इसका वैल्यू भी 7/25 इसलिए वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगा। सो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट 1 - 10² a अपौन 1 + 10² a इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, अब मैं चलता हूँ सेकंड क्वेश्चन की ओर। इन ट्रेंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, पहले मैं ट्रेंगल बना लेता हूँ, ये लीजिए ट्रेंगल है ए, एंगल बी 90 डिग्री है तो यहाँ पर बी आएगा और यहाँ पर ले लीजिए सी, यानी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री यह दिया हुआ। यहाँ कंडीशन दिया हुआ है टेन ए दिया हुआ है 1/√3, टेन ए इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये तो आप जानते होता है फार्मूला। सो परपेंडिकुलर है यहाँ पर 1 और बेस यहाँ पर है √3, यानी पी फॉर परपेंडिकुलर, ये पी फॉर परपेंडिकुलर, क्लियर। अब बी फॉर बेस, ये तो हाइपोटेनस होगा ही, पी दिया हुआ है बी दिया हुआ है एच तो निकल जाएगा, हाइपोटेनस निकल जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू आप जानते हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर इक्वल टू पी, पी का वैल्यू दिया हुआ है 1 के स्क्वायर, अब बी का वैल्यू दिया हुआ है √3 तो √3 का स्क्वायर, यानी इम्प्लाइज एच स्क्वायर इक्वल टू होगा 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा। सो एच स्क्वायर इक्वल टू 4, देयर फोर एच इक्वल टू क्या होगा 4√, यानी 2, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू लेना है, नेगेटिव तो लेना नहीं है क्योंकि हाइपोटेनस कभी भी यानी लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। अब इसका हमें वैल्यू निकालना है, चलिए इसका वैल्यू मैं निकालता हूँ। कॉस ए, पहले कॉस ए दिया हुआ है तो कॉस ए निकाल देता हूँ। कॉस का फार्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंगल ए है, इस एंगल के ठीक सामने का साइड क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, तो बेस क्या हुआ, ये बेस हो गया, होगा ना बेस, तो इसका होता है फार्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस इसमें क्या होगा, बेस इसमें ये हो जाएगा ए बी, है ना, तो बेस दिया हुआ है कितना √3, क्लियर, तो बेस हो गया √3। हाइपोटेनस एच का वैल्यू निकल चुका है एच इक्वल टू 2, हाइपोटेनस हो जाएगा 2। अब हमें क्या किसका वैल्यू निकालना है, कॉस सी का वैल्यू निकालना है, कॉस सी, कॉस सी का भी क्या होता है, अब इस एंगल को मैं लूँगा, इस एंगल को लूँगा मैं, ठीक ना, ध्यान रखना है एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, यहाँ बहुत ही सावधानी चाहिए, कॉस सी निकालना है तो इस एंगल के ठीक सामने का साइड क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, यानी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ए बी, देख रहे हैं ना, और बेस क्या हो जाएगा बी सी, तो आप देखिए यहाँ पर कॉस सी इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ पर दिया हुआ था टेन ए, टेन ए इस एंगल के ठीक सामने का साइड परपेंडिकुलर होता है, तो इसके लिए इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा 1, ये हो गया इस एंगल के लिए ये हो गया 1, एंड ये हो जाएगा बेस, यानी बेस हो जाएगा √3, ये हो जाएगा √3 किस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए। अब जब एंगल सी लीजिएगा, इस एंगल को लीजिएगा, तो इस एंगल के लिए ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस हो जाएगा ये, तो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, यह बेस है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस दिया हुआ है 1, हाइपोटेनस दिया हुआ है 2, बहुत ध्यान से समझिए। साइन ए की ओर चलता हूँ, साइन ए देखिए, अब इस एंगल के लिए साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर यानी बी सी अपॉन हाइपोटेनस ए सी, यानी बी सी का वैल्यू 1, हाइपोटेनस दिया हुआ है 2,
क्लियर। अब मैं क्या निकालना है, हमें साइन सी निकालना है। साइन सी निकालिए, साइन सी के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है रूट थ्री हो जाएगा, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये वन वन हो जाएगा, एक चीज़ यही ध्यान रखना है, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा रूट थ्री होगा, तो हो गया परपेंडिकुलर रूट थ्री। हाइपोटेनस क्या है टू है, यानी रूट थ्री बाय टू। अब मैं वैल्यू निकालना है इसका, इसका वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ। सो कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी इक्वल टू, कॉस ए का वैल्यू देखिए क्या दिया हुआ है रूट थ्री बाय टू, कॉस सी का वैल्यू वन बाय टू, साइन ए का वैल्यू वन बाय टू, साइन सी का वैल्यू रूट थ्री बाय टू, सो रूट थ्री बाय फोर और माइनस रूट थ्री बाय फोर इक्वल टू जीरो, सो इसका वैल्यू क्या हो गया जीरो। क्लियर। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन थर्ड, इन ट्रेंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, फिगर बनाइए, क्यू पर राइट एंगल है, यानी मैं ले लेता हूँ यहाँ पर पी क्यू आर, राइट, ये एंगल दिया हुआ है क्यू पर 90 डिग्री का एंगल, पी क्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, कंडीशन दिया हुआ है क्या दिया हुआ है कंडीशन पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, ये पी आर है, पी आर का वैल्यू तो हमें मालूम नहीं है, तो पी आर के वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ, पी आर क्या होगा 25 हम माइनस क्यू आर, लेकिन क्यू आर का भी वैल्यू हमें मालूम नहीं है, तो क्यू आर के वैल्यू को मैं मान लेता हूँ एक्स सेंटीमीटर। सो पी आर इक्वल टू 25 माइनस एक्स, क्योंकि क्यू आर को मैं मान लिया हूँ एक्स, सो पी आर निकल गया, पी आर कितना निकल गया 25 माइनस एक्स। अब हमें एक्स का वैल्यू निकालना है, वी नो डैट बट पी आर स्क्वायर इक्वल टू, आप जानते हैं क्या होता है पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, इम्प्लाइज पी आर का वैल्यू दिया हुआ है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, पी क्यू पी क्यू 5 दिया हुआ है, लिख दीजिए 5 का स्क्वायर, क्यू आर क्यू आर एक्स दिया हुआ है तो लिखिए एक्स स्क्वायर, यानी इम्प्लाइज आप जानते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल, 25 का होल स्क्वायर क्या होगा 625 माइनस 2 मल्टीप्लाई 25 50x, 2 मल्टीप्लाई 25 50, 50 मल्टीप्लाई एक्स 50x इक्वल टू 25, यानी इम्प्लाई 625 में 25 को माइनस कर लीजिए, 625 माइनस 25 इक्वल टू 50x, तो 625 में 25 को माइनस कर दीजिएगा तो 600 आएगा, तो 600 इक्वल टू 50x, सो फ्रेंड एक्स के वैल्यू निकल जाएगा 600 बाय 50, नहीं ये कैंसिल हो जाएगा कितना से 12 से, सो एक्स के वैल्यू निकल गया 12, लीजिए एक्स के वैल्यू निकल गया 12, राइट, यानी एक्स इक्वल टू 12, देयरफॉर क्यू आर निकल गया क्या 12। अब हमें पी आर निकालना है, सो पी आर भी निकल जाएगा, पी आर निकलेगा 25 माइनस एक्स इक्वल टू 25 और एक्स का वैल्यू निकल चुका है 12, तो 25 में 12 को माइनस कर दीजिए आएगा 30। अब जिसका वैल्यू निकालना है निकाल लीजिए, क्या निकालना है साइन पी, साइन पी मैं एंगल के ठीक सामने के साइड परपेंडिकुलर, ये एंगल है पी तो इसके ठीक सामने के साइड परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा यहाँ पर क्यू आर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस पी आर, ये ध्यान में रखना है कि एंगल के ठीक सामने के साइड हमेशा परपेंडिकुलर, सो क्यू आर बार बार ये चीज़ को मैं रिपीट कर रहा हूँ, सो क्यू आर के वैल्यू 12 और पी आर के वैल्यू 13, तो साइन पी निकल गया 12/13। क्लियर। अब हमें किसका वैल्यू निकालना है कॉस पी का, सो कॉस पी का फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, चूँकि एंगल के सामने का साइड परपेंडिकुलर होता है तो बेस तो यही होगा ना, तो पी क्यू बाय पी आर, पी क्यू बाय हाइपोटेनस पी आर, पी आर इक्वल टू पी क्यू का वैल्यू, पी क्यू दिया हुआ है 5 और पी आर क्या दिया हुआ है, पी आर के वैल्यू 13, कॉस पी का वैल्यू भी निकल गया, लास्ट में निकालना है टेन पी, और टेन पी जानते हैं क्या होता है परपेंडिकुलर, एंगल के ठीक सामने का साइड, पी एंगल के ठीक सामने का साइड परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो गया क्यू आर, अब बेस बेस हो गया पी क्यू, सो क्यू आर का वैल्यू क्या है 12
और पी क्यू का वैल्यू 5 12 बाय 5 राइट, तो निकल गया साइन पी कॉस पी टेन पी। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर समझा देना चाहता हूँ फ्रेंड, या ध्यान रखिएगा साइन का वैल्यू साइन थीटा का वैल्यू हमेशा 1 या 1 से छोटा होता है, ध्यान रखना है। कॉस पी का वैल्यू भी देखिए 5 में 13 भाग दीजिएगा 1 से कम होता है, 1 से कम होगा या 1 के इक्वल होगा। टेन पी का वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होता है, तो ध्यान रखिएगा टेन का वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा होता है, 1 से छोटा नहीं होगा। साइन कॉस का वैल्यू 1 या 1 से छोटा होगा, टेन का वैल्यू 1 या 1 से बड़ा होगा। क्लियर, अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन, इफ x इक्वल टू कोज के प्लस कॉस ए एंड y इक्वल टू कोज एक माइनस कॉस ए, तो प्रूव कीजिए 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, ये आपको दिखाना है। x इक्वल टू दिया हुआ है कोज एक ए प्लस कॉस ए दिया हुआ है ना, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 1। सेकेंड कंडीशन दिया हुआ है y इक्वल टू कोज एक ए माइनस कॉस ए, इसको मैं मान लेता हूँ 2। यहाँ पर दो चीज़ दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, इसमें एक x प्लस वाई और दूसरा है x माइनस वाई, है ना। ये x है एक y है, पहले दोनों को जोड़ दिया है x प्लस वाई, तो दोनों को मैं जोड़ देता हूँ तो x प्लस वाई मिल जाएगा हमें, तो जोड़िए एडिंग 1 एंड 2 एडिंग 1 एंड 2 एड कीजिए। सो x प्लस वाई इक्वल टू होगा, जब एड कीजिएगा तो प्लस कॉस ए माइनस कॉस ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, कदा क्या जाएगा, इसमें भी कोज एक ए इसमें भी कोज एक ए, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 2 कोज एक ए, एडिंग करने के बाद 2 कोज एक ए। सो कोज एक ए का वैल्यू निकल जाएगा, कोज एक ए का वैल्यू कितना आएगा, x प्लस वाई बाई 2 फ्रेंड। सो हमें निकालना, हमें प्रूफ क्या करना है, ये लाना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर है 2 बाय x प्लस y है, यहाँ वैल्यू क्या निकला, x प्लस वाई बाई 2 निकला, तो आप क्या कीजिएगा, उसको उलट दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, तो इसके नीचे 1 है ना, तो इसको लिख सकते हैं 1 बाय cos a। के डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर की जगह पर रख देता हूँ, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर की जगह पर रख देता हूँ, यानी रिवर्स कर दीजिए। सो 1 बाय cos a इक्वल टू होगा 2 बाय x प्लस y, और आप जानते हैं 1 बाय cos a क्या होता है, साइन ए होता है, मैं बता चुका हूँ। सो साइन ए का वैल्यू निकल गया है 2 बाय x प्लस y। क्लियर, अब हमें क्या लाना है, ध्यान दीजिए, अब आपको लाना है x माइनस y कब आएगा, जब फर्स्ट में सेकेंड को घटाइएगा तभी तो आएगा x माइनस वाई, तो मैं वही काम करता हूँ, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, एक में से 2 को घटाने पर घटाइए तो होगा x माइनस वाई। जब इसको इसमें इसको घटाइएगा तो देखिए क्या आता है, कोज ए के प्लस कॉस ए, अब माइनस घटा रहे हैं इसको, कोज ए के अब माइनस कॉस ए, सॉल्व कीजिए, यानी कोज एक ए प्लस कॉस ए अब माइनस कोज एक ए अब माइनस माइनस प्लस कॉस ए आएगा ना, माइनस कोज एक ए और माइनस माइनस प्लस कॉस ए, ये कोज एक ए ये कोज एक ए कैंसिल, तो कॉस ए प्लस कॉस ए 2 cos a है ना, तो दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि इसका वैल्यू किसका निकला है, x माइनस वाई का वैल्यू निकला है, x माइनस वाई इक्वल टू निकला है 2 cos a, लाना है x माइनस वाई बाई 2, टू इसके नीचे 2 कब आएगा, जब दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो x माइनस वाई बाई 2 इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 समाप्त हो जाएगा, यानी cos a, साइन a का वैल्यू निकल गया, cos a का वैल्यू निकल गया, हमें लाना है इसका वैल्यू 0 दिखाना है, तो देखिए इसका वैल्यू 0 दिखा देता हूँ, कैसे दिखाता हूँ ध्यान से देखिए, LHS से चलूँगा, LHS से, LHS में क्या लिखा हुआ है, 2 बाय x प्लस y का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू दिखाना है 0 फ्रेंड। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 बाय x प्लस y का वैल्यू दिया हुआ है, 2 बाय x प्लस y का वैल्यू कितना दिया हुआ है, साइन a, इसके जगह पर लिखता हूँ मैं साइन a का होल स्क्वायर, लिख सकता हूँ प्लस x माइनस वाई बाई 2 का वैल्यू, देखिए x माइनस वाई बाई 2 का वैल्यू है कॉस ए, यहाँ रख दीजिए कॉस ए, सो कॉस ए का होल स्क्वायर अब माइनस 1 फ्रेंड, ये तो जानते हैं ना, इसको मैं ऐसे भी लिखता हूँ, मैं बता चुका हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अब माइनस 1 क्लियर।
सो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है, वन होता है। सो वन अब माइनस वन इक्वल टू जीरो यानी इक्वल टू आर एच एस, आ गया ना, यही तो आपको प्रूफ करना है ना। तो त्रिकोणमिति में कुछ है नहीं, इस चैप्टर का सारा प्रॉब्लम आपसे सॉल्व हो जाएगा। बस तीन चीज़ आपको याद रखना है, परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस के विषय में जानकारी रखिए, और जो एंगल ले रहे हैं उसके ठीक सामने का साइड हमेशा परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेनस का पता चल जाता है, बेस का भी पता आपको चल जाएगा, क्लियर। सो फ्रेंड आज का यह वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, साथ साथ नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए। फिर मिलूँगा नई वीडियो के साथ, जय हिंद।